साहेबगंज जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ विकराल रूप ले चुकी है, जहां गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान 27 मीटर से ऊपर बह रही है, जिसके कारण खासकर सदर प्रखंड के देरा क्षेत्रों के लोगों की हालत काफ़ी खराब हो चुकी है। बाढ़ पीड़ित लोग मजबूरी में अपना घर बार भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिससे उनका जिंदगी कष्टदायक हो चुका है। यहाँ तक कि देरा के कई गाँव में लोगों के घरों में पानी घुस चुके हैं, लेकिन पीड़ित अपनी खेत और मवेशी के चक्कर में खतरों से मोल ले रहे हैं। इसी को देखते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी हेमंत सती ने सदर अंचलाधिकारी के साथ देरा के कई गांवों का आंखों देखा हाल देखा और स्थिति का आकलन किया। मौके पर उन्होंने अंचलाधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए, जिससे कि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। बाढ़ को लेकर सर, जिला प्रशासन की ओर से क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि लोगों को सहायता राशि मिल सके और जो भी मतलब जो है मवेशी हैं उनको किस प्रकार से चारा मुहैया, लोगों को राहत सामग्री किस रूप से बांटी जाएगी? सर, जो बाढ़ की समस्या है, उस बाढ़ की समस्या में चूँकि बरसात के समय में बाढ़ का पानी ऊपर आ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, तो इसी के क्रम में जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ से लोगों को राहत दिलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जितने भी लोग जो दियाराज एरिया में जो ज़्यादा इफेक्टिव ज़्यादा जिन पर इफेक्ट पड़ रहा है, उन लोगों को पहले हम लोग इस चीज़ के बारे में उन लोगों को बताते हैं कि आप लोग यथाशीघ्र उस दियाराज को छोड़ करके मेन लैंड की तरफ आ जाएँ। लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ खेती बाड़ी होती है और वहाँ पर उन लोग मवेशी वगैरह चराते हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिला प्रशासन के द्वारा दी जाती है, जैसे अगर बाढ़ का स्तर बढ़ जाता है तो राहत सामग्री जिला प्रशासन के द्वारा दी जाती है, जो कि समय आने पर दी जाएगी। इतना ही नहीं, यदि कोई आदमी वहाँ से आना चाहता है तो हमारे जो राहत शिविर कैंप्स हैं, राहत शिविर कैंप्स जिला में चलाए जाते हैं, राहत शिविर कैंप्स में वो लोग रह सकते हैं, वहाँ पर उनको फूड और सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी करवाई जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि जो मवेशी वगैरह हैं या जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा नाव भी भेजी जाती है। क्योंकि आपके द्वारा से निरीक्षण किया गया, कल क्या क्या क्षेत्र पाया गया आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में? बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में यही पाया गया कि जो दियाराज के एरिया है, रामपुर दियाराज वगैरह, उसमें पानी लगभग 1 फीट के आसपास गाँव में आया है। तो लोग वहाँ से आ भी रहे हैं, कुछ लोग अपने मवेशी को लेकर के आ रहे हैं, कुछ लोग पूरा बोरे और बिस्तर के साथ आ रहे हैं, कुछ लोग अभी रुके हुए हैं, वो ये बाढ़ को देख रहे हैं कि कितनी और बाढ़ आती है, कितना और स्तर बढ़ता है जल स्तर और बढ़ेगा तो वो लोग भी आ जाएंगे और हम लोग भी उनको मोटिवेट करेंगे कि आप लोग हमारे शेल्टर्स होम में आ जाएं। कितने शिविर अब तक बनाए जाने की संभावना है सर? अंचलाधिकारी के द्वारा शिविर बनाए जा चुके हैं। शिविर का को मैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी मुहैया करवा दी है। वहाँ पर जो बिस्तर है, गद्दा वद्दा सब लगा दिया है, पानी की अवेलेबिलिटी उपलब्ध करवा दी गई है, लेकिन अब तक हमारे सेल्टर होम में कोई भी व्यक्ति टर्नअप नहीं। आपके